मैन ने भी की है, पनामा में सिर्फ पॉलिटिशियंस का नाम नहीं है और बहुत सारे लोगों का है, तो हमें बारी बारी लोगों को कहीं ना कहीं इस सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। केस में जो जेआईटी है, सारे जो उनको फ्रंट मैन थे, ऑल ऑफ देम वर बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। आठ सौ से ज्यादा लोग थे जो बिजनेस कम्युनिटी के थे, जजेस भी थे और लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे। पनामा में तो एक पूरी लिस्ट है। सो आई थिंक इट जो प्रोसेस है वो स्लो है, बट मे बी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो स्लो एंड स्टडी ही जाया जाता है। सो आई थिंक ये पॉसिबल है, बट उसकी डायरेक्शन और भी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी और उसको वाइडन करना पड़ेगा स्कोप से, क्योंकि बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिशियंस के अलावा भी इस मुल्क के बाहर भी लेके गए और इस मुल्क में रखा हुआ है। और आई अप्रिशिएट ये जो है जमीनों पे कब्जा और जायदादों पे कब्जा, इस पे भी जो काम हो रहा है, बहुत सारी लोगों से लिए हैं चीजें, तो पॉसिबल तो है। रेट ऑफ द स्टेट लाना